तो दोस्तों, इन तथ्यों से बड़ा स्पष्ट है कि रफेल की जांच से बचने के लिए चौकीदार ने सीवीसी को कठपुतली बना दिया। अगर मोदी सरकार में रत्ती भर भी शर्म बाकी है तो तत्काल, और हम ये कांग्रेस के बिहाव पे मांग कर रहे हैं, सीवीसी को हटाना तुरंत चाहिए। चाहे वो इस्तीफा दे या हटे, हटाए जाएं, निरस्त किए जाएं, वो एक डिटेल की बात है। लेकिन इस प्रकार की लुकी छिपी, इस प्रकार की असंवैधानिक कठपुतली वाला व्यवहार सीवीसी से अपेक्षा नहीं हो सकती। हाँ, कोलैबोरेटर फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर अपेक्षा हो सकती है। आज आपने क्या देखा है? आपने देखा है स्पष्ट रूप से कि ऑब्जेक्टिव तथ्य, जिनको आप और हम पुष्टिकरण कर सकते हैं, वो लिखित रूप से आए हैं पब्लिक डोमेन में। सीवीसी एक दूत बन गए हैं अस्थाना के लिए, सीवीसी एक एजेंट बन गए हैं, एक नौकर बन गए हैं, एक संदेश ले जाने वाले बन गए हैं, मैसेंजर सरकार के लिए, सरकार के सब गलत और कार्य कारनामे करने के लिए। एक वकील बन गए हैं और लॉबिस्ट बन गए हैं अस्थाना के लिए, और सरकार में जो अस्थाना को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव तथ्य क्या हैं, जिनका पुष्टिकरण की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो साफ पारदर्शिता से आपके सामने है। एक तिथि को अक्टूबर में 1 घंटे से ज्यादा सीबीसी मिलने आए वर्मा से, ये रिकॉर्डेड है, लिखित है। क्या ये मीटिंग पुष्टिकरण नहीं हो सकती? क्या इसका बनाई हुई है? इसका नकारा गया है किसी के द्वारा? उस 1 घंटे के मीटिंग में बार बार ये कहा गया कि ऑल विल बी वेल, एवरीथिंग विल बी ओके। अगर जो एंट्री है, उनकी सर्विस एंट्री अस्थाना की, डाउटफुल इंटेग्रिटी वाली, उसको बदल दिया जाए, उसको सुधार कर दिया जाए। ये सब तो लिखित है, इसका भी कोई डिनायल नहीं आया अभी तक। और मैं वापस स्पष्ट कह रहा हूं कि इनमें से कोई लिखित चीजें 100% पटनायक जी को नहीं दिखाई गई है। मैं इसके आगे आरोप लगा रहा हूं कि इसमें पूरा संदेह है हमें कि इसमें से 100% या 99% उच्चतम न्यायालय को भी नहीं दिखाई गई। और इससे जाहिर है कि आप केंद्र के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए विजिलेंस कमिश्नर नहीं है। आप विजिलेंस रखते हैं, सतर्कता आप रखते हैं सिर्फ अस्थाना के लिए, और अस्थाना के राजनीतिक मालिकों के लिए आप केंद्रीय सतर्कता रखते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। मैं याद दिलाऊं कि ये वही सीवीसी हैं जो डेनमार्क जा रहे थे 23 अक्टूबर को, अंतिम क्षण में अपने यात्रा को निरस्त किया, कैंसिल किया, 8:30 से 12 बजे रात तक बैठ के सिर्फ एक काम किया, सरकार के आदेश पे, प्रधानमंत्री के आदेश पे, कि किस प्रकार से वर्मा को हटाना है, रोकना है। उस ऑर्डर को लेकर वर्मा को 1-2 बजे सर्व किया गया, रोका गया। अब रोचक बात सुनिए, वो हटाना तो उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया सिर्फ एक आधार पे कि समिति कर सकती है, सीवीसी नहीं कर सकता, क्योंकि सीवीसी न नियुक्त करने वाली संस्था है न हटाने वाली। लेकिन उसी सीवीसी रिपोर्ट को आधार बना के, जिसको उच्चतम न्यायालय नहीं देखा था, तो उच्चतम न्यायालय ने हटाया था किसी और लीगल ग्राउंड पे, उसी का आधार बना के वापस तुरंत प्रधानमंत्री जी की समिति ने 2-1 के आधार पे, फिर कौन सी रिपोर्ट है ये, कौन से सीवीसी है ये? आप पहले वकील बनते हैं, दूत बनते हैं, एजेंट बनते हैं, संदेशकर्ता बनते हैं अस्थाना के, और फिर अस्थाना के आरोपों को लेकर रिपोर्ट में लिखकर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, और वही पुलिंदा आपकी पैरवी का और अस्थाना के आरोपों का, वही पुलिंदा समिति के निर्णय का आधार बन जाता है। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि इसमें से कितना दिखाया आपने, शेयर किया पटनायक साहब से, और मैं आगे चुनौती दे रहा हूं कि
हमारे पास कागजात नहीं है, लेकिन पूरा संदेह है कि इसका आंशिक रूप भी उच्चतम न्यायालय से शेयर नहीं हुआ होगा। तो ये क्या हो क्या रहा है? हमने केज पैरेट सुना है सीबीआई के बारे में, आज हम देख रहे हैं कि कोई नया एक सतर्कता का एजेंट और दूत सरकार का और अस्थाना का, न्यू विजिलेंट स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट एंड अस्थाना हैज बीन बोर्न। हम कहना चाहेंगे बड़े स्पष्ट रूप से कि प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से बार बार ये सच्चाई का दंभ और संदेश देने का प्रयत्न करते हैं देश को, आम नागरिकों को। रामलीला मैदान से वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रतीक माना जाता है सच्चाई का। ये आपकी सच्चाई की परिभाषा है? ये आपकी सतर्कता, स्पष्टता, सच्चाई का द्योतक या मापदंड है? ये ऐसी सच्चाई क्या बुराई के ऊपर होगी? हम प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि न्यूनतम आपने अगर नहीं हटाया सीबीसी को, तो आपकी झूठ, आपका झूठ और सच का सच्चाई या सच्चाई का सच पूरे देश के सामने बहुत निकट जल्दी आने वाला है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।